good morning students in our zoom class we have gone through chapter number 6 types of houses we have discussed about why do we need a house i also told you about types of houses there are two types of houses one is permanent house and other is temporary house permanent house is called पक्का हाउस एंड टेम्प्रेरी हाउस इज कॉल्ड कच्चा हाउस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट परमानेंट हाउस इन आर जूम क्लास एंड टूडे आई विल टेल यू अबाउट सम टेम्प्रेरी हाउसेस नाउ लिसन केयरफुली नो मेड्स लिव इन टेम्प्रेरी हाउसेस टेम्परेरी हाउसेस में नो मेड्स रहते हैं नो मेड्स क्या होते हैं पीपल हु ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दीज हाउसेज आर मेड टू लिव फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन हाउसेज को हम शॉर्ट पीरियड के लिए रहने के लिए बनाते हैं जहाँ हमें थोड़े समय के लिए रहना हो दीज हाउसेज आर मेड विद मड स्ट्रॉ और वुड दीज हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउस

स्ट्रॉ से बनाया जाता है और हर्ट्स जो हैं विलेजेस में होती हैं। और नेक्स्ट हाउस हाउसेस लॉग हट लॉग हट्स आर बिल्ट इन द फॉरेस्ट लॉग हट्स जो हैं वो फॉरेस्ट में होती हैं और हिली एरियाज में होती हैं वी आर लॉग्स आर फाउंड इन अबंडेंस एंड दीज हट्स आर पार्ट ऑफ नेचर जहाँ पर जो लॉग्स हैं वो बहुत सारी मात्रा में होते हैं वहाँ पर ये हर्ड्स बनाई जाती हैं अब लॉग्स क्या होता है लॉग इज़ अ ट्रंक ऑफ अ ट्री आर नेक्स्ट हाउस इज हाउस ऑन स्टेल्स द एरियाज वेयर हैवी रेनफॉल इज अ रेगुलर फीचर उन एरियाज में बेटा जहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर हाउसेस को स्टेल्स पर बनाया जाता है स्टेल्स क्या होता है स्टिल्स जो है वो एक पिलर्स होते हैं जो किसी हाउस को सपोर्ट देने के लिए बनाते हैं अब स्टेल्स लगाकर उन हाउस को थोड़ा सा हाइट दी जाती है जिससे वो थोड़े ऊंचे हो जाते हैं और फिर हम उन्हें बारिश के पानी से डैमेज होने से बचा सकते हैं नेक्स्ट हाउस इज हाउस बोट हाउस बोट्स आर हाउसेस विच आर बिल्ड ऑन बोट्स हाउस बोट्स वो हाउस होते हैं जिन्हें हम बोट्स पर बनाते हैं एंड दे आर मेड ऑफ वुड एंड दे फ्लोट ऑन वाटर ये हाउसेस हाउस बोट्स जो हैं वो लकड़ी से बने होते हैं और ये वाटर पर फ्लोट करते हैं वाटर पर तैरते हैं एंड दे आर प्राइमरली फाउंड इन कश्मीर एंड केरला और ये हाउसेस जो है कश्मीर और केरला में पाए जाते हैं नेक्स्ट हाउस इज टेंट टेंट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टेम्प्रेरी हाउस सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज होता है वो है टेंट और टेंट जो है वो कैनवस और सिंथेटिक कपड़े से बना होता है कैनवस क्या होता है एक स्ट्रोंग क्लोथ होता है जो टेंट को बनाने के काम आता है नेक्स्ट टेम्परेरी हाउस इज इग्लू इग्लू इज अ डोम शेप्ड हाउस मेड ऑफ स्नो एंड हाउ आइस इग्लू जो है वो डोम शेप का हाउस होता है जो स्नो या आइस से बना होता है एस्कीमोज लिव इन इग्लूज इग्लूज में एस्कीमोज रहते हैं स्कीमो क्या होता है एस्कीमो एक ट्राइबल है जो कोल्ड रीजन्स में जैसे आर्कटिक रीजन है वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वहां पर ये एस्कीमोज पीपल रहते हैं इग्लूज को हम कोल्ड रीजन में जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है उन रीजन्स में इग्लूज होते हैंक्स्ट हाउस इज कारावेन कारावेन इज अ हाउस ऑन व्हील्स इट इज अ मोबाइल हाउस को हम हाउस ऑन व्हील्स भी कहते हैं यह एक मोबाइल हाउस है मोबाइल हाउस मतलब जिस हाउस को हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से लेके जा सकते हैं यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ क्लीन हाउस बच्चों क्या आप सबको गंदा घर अच्छा लगता है नो no. We should always keep our house spick and span. What is the meaning of spick and span? Spick and span means neat, clean and well looked after house. जिस जो हाउस बिल्कुल साफ होता है और जिसकी हम अच्छे से देखभाल करते हैं ओके okay? अब dirty जो हाउस है उसमें फ्लाइज होंगी मॉस्कीटोज होते हैं रैट्स होते हैं और ये सब हमें क्या कर सकते हैं बीमार कर सकते हैं इसलिए हमें अपने घर को हमेशा साफ रखना चाहिए विंडोज़ लैटिन फ्रेश एयर एंड सनलाइट अब घर में विंडोज़ का होना भी बहुत ज़रूरी होता है विंडोज़ का होना क्यों ज़रूरी है क्योंकि विंडो से हमारे घर में फ्रेश हवा आती है और सनलाइट आती है और ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं इसी तरह से एक अच्छे घर में इनफ़ डोर्स और विंडोज़ होनी चाहिए क्योंकि डोर्स और विंडोज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं डोर्स और विंडोज़ से ही हमारे घर में फ़्रेश एयर और सनलाइट आएगी तो ए क्लीन हाउस इज़ अ हेल्दी हाउस क्लीन हाउस जो है वो एक हेल्दी हाउस होता है इसलिए हमें अपने घर को हमेशा साफ रखना चाहिए जिससे कि हम हेल्दी रह सकें बच्चों आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा सो थैंक यू